तो यार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में बताऊंगा कि जब आप अपने YouTube चैनल पे वीडियो को अपलोड करते हैं तो अपलोड करते टाइम ऐसे क्या ट्रिक को फॉलो करें जिससे हमारा जो टाइम है टाइम भी बच जाए और जो ट्रेंडिंग जो टॉपिक होते हैं यानी कि ट्रेंडिंग जो कीवर्ड होते हैं वो पता चल जाए। तो यहाँ पे यार जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जो तीन बेस्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है उनके बारे में बता रहा हूँ। तो अब मेरे को क्या करना, एक एप्लीकेशन होता है VidIQ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये VidIQ एप्लीकेशन है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में, बिल्कुल ईजी तरीके से डाउनलोड हो जाएगा और अनपेड है। तो यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पर मैं एडिट कर रहा हूँ यानी कि लिख रहा हूँ बेस्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन, ठीक है, फॉर एंड्रॉयड। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जितने भी रिलेटेड टैग है दोस्तों ये आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एंड्रॉयड की जगह और हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एप्लीकेशन लिख देता हूँ, कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये कितने, इसको 53% इसको लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। और इसको फिर यहाँ पे लिख के आ रहा है वीडियो एडिटिंग, ये 50%। तो इसको मेरे को क्या करना है, मेरे को दो चीज़ को ये पूरा, यदि पूरा सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल कर लेना, और दो तीन कीवर्ड लेना तो दो तीन। तो मैंने यहाँ पे तीन कीवर्ड ले लिया और इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो कैसे अपलोड किया जाता है। अब यहाँ पे अपने यूट्यूब एप्लीकेशन पे गए, अब यहाँ पे मैंने अपना जो भी वीडियो चाहिए था वो वीडियो मैंने ले लिया। वैसे यार तुम मैनुअली टाइप करते रह जाते, यहाँ पे यार मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अभी यहाँ पे क्या मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया दोस्तों। ये थोड़ा ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अब इसको मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है, अपलोड कर दिया। अब इसके बाद अपने को क्या करना है भाई, इसके बाद अपने को करना ये है कि जो हमारा YouTube स्टूडियो है YouTube स्टूडियो में पहुंच जाना है, और यहाँ पे ये जो वीडियो है शो होने लगेगा। तो हम YouTube स्टूडियो पे आ गए, और यार इस तरह की वीडियो मैं अभी ही डालना शुरू किया क्योंकि पहले मैं इस तरह की वीडियो नहीं डालता था। तो यहाँ पर अब एडिटिंग के ऑप्शन पर आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जितने भी कीवर्ड हैं, ठीक है, कीवर्ड में और डिस्क्रिप्शन, तो हम पहले मैनुअली टाइप करते थे, अब मैनुअली टाइप नहीं करेंगे। यहाँ पे गए देखो सीधे, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे गए, कौन सा VidIQ एप्लीकेशन है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दिया, कॉपी, ठीक है। और ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन, लो भाई डिस्क्रिप्शन रेडी हो गया, बिल्कुल हमको मैनुअल टाइप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये डिस्क्रिप्शन को हमने पेस्ट कर दिया, और ये आ गए भाई यहाँ पे, ठीक है, अपना सेट कर लिया बिल्कुल इजी तरीके से। अब इसी को यार हम उसमें कर देते हैं टैग, टैग में भी जाएंगे, टैग को अब यहाँ पे हम सब नहीं कर सकते तो एक एक हम कॉपी करेंगे। देखो बिल्कुल कॉपी, टैग लग गया ना बिल्कुल। यार आप लोग अब सोचोगे वैसे कि यार क्या टैग लगा यहाँ पर, और यहाँ पर टैग लगा लगाया मिल रहा है पहले से ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पे मैं जितने भी टैग हैं यहाँ पे मैं इसको चिपका दे रहा हूँ। और यार मैं इसको बहुत दिन से यार इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ, सच में जो वीडियो में टैग और डिस्क्रिप्शन लिखने में जो टाइम जाता है वो मेरा सेव हो जाता है, और इसमें पता भी चल जाता है कि यार ये वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा। हालाँकि मेरे अभी वीडियो में व्यू कम आएंगे, उसका रीज़न ये है कि मैं दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाता था, तो जो मेरे पास ग्राहक हैं जो ऑडियंस है वो दूसरे तरीके के थे, अब मैं थोड़ा दूसरे तरीके बना रहा हूँ तो वीडियो में जो भी है वो कम आएंगे। तो ठीक है, और थोड़ा इतना मैंने कर लिया, अब इसके बाद और थोड़ा चेंज कर लेते हैं कुछ, है ना। तो मैंने VN एप्लीकेशन के बारे में बताया इस वीडियो में, तो इसको पूरा ऑल सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेता हूं, और इसको दोबारा मैं यहां पे गया डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूं यहां पे फटाफट, ठीक है। तो यार यहाँ पे ये इस एप्लीकेशन ने जो काम 15 मिनट में होता था ये 5 मिनट में ही कर दिया है। देखो यहाँ पे कितने सारे मैंने टैग लगा दिए हैं, आप चाहो तो और भी टैग लगा सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है ये, सॉरी। और टैग देखो यहाँ पे मैंने कितना टैग भर दिया है, ये टैग यार खुद YouTube ही रिकमेंड कर रहा है इस एप्लीकेशन को, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है डायरेक्ट YouTube से मर्ज है, लिंक है, और YouTube ही बोलता है कि इस एप्लीकेशन को यूज़ करो। तो ये यार बिल्कुल बेस्ट तरीका है अपने वीडियो को अपलोड करने का, और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि कितने परसेंट लोगों को ये वीडियो इस तरह की सर्च कर रहे हैं, ठीक है। पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका जो वीडियो है वायरल हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि भाई फ्रॉड नहीं करने वाला और लोगों की तरह, पर आपको इतना बता रहा हूँ कि ये जो तरीका है बेस्ट तरीका है, और ऐसे वीडियो अपलोड करो इसमें आपका जो टाइम है टाइम वगैरह सेव हो जाएगा, ठीक है। और ये एप्लीकेशन दोस्तों आपको बता दूँ बिल्कुल अनपेड है, और
ये इसमें आपको यार एक चीज़ और बताऊँ, ये आपको बताता भी है कि इस टॉपिक पे आपको भी वीडियो बनाओ जो कि ट्रेंडिंग में चलेंगे। आप यहाँ पे डेली आइडिया देख लो, डेली आइडिया पे आप देख लो, यहाँ पे आपको बताएगा देखो अभी इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाओगे तो ये पक्का वायरल होगा, ट्रेंड में चलेगा। देखो इसको डिसमिस कर देते हैं, तो ये दूसरा भी बता रहा है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, गुड न्यूज़ सीट्स वैकेंसी इस पे वीडियो बनाओ, ठीक है मेरिट लिस्ट, तो इन चीज़ों पे वीडियो बनाओगे तो ट्रेंड में जाएगा, ये ऐसा बता रहा है। और ये जो एप्लीकेशन है डायरेक्ट यूट्यूब से दोस्तों लिंक है, और ये आपको ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड कराता है, तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है मैं तो आपको बोलूँगा। और वीडियो का ज़्यादा लेनदेन नहीं करते, मेरा वीडियो बिल्कुल अपलोड हो चुका है, आप भी इसे प्रेस करिए और अपना टाइम को सेव करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने भाई को सपोर्ट कर दें, सब्सक्राइब कर दें अपने भाई के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।